कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी स्तर के सम्मानित कांग्रेस नेता जन आप अपने हिसाब से खड़ा होंगे। शुरू करेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफला मलया जशीतला श्यामला मातरम वंदे जैसे थे बस गीत शुरू करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सर जाने वाला प्रेम सुधा वर्षाने वाला वीरों को हर शाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान नहीं से की जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब हो गए प्रणपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे नमस्कार शुरू करेंगे। जन जन मन अधिनायक जय रे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आजाद हिंद जिंदाबाद कभी नारा वंदे मातरम विश्राम। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मानवत कार्यक्रम समाप्त। मंच पे सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। इस धरती के लाख कांग्रेस के पुरोधा श्री सदानंद सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष परमादरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी दीप प्रज्वलित के स्थान पर आकर विधिवत उद्घाटन की प्रक्रिया को पूरा किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर जी राजेश लिलोटिया जी हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सांसद आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी
हेलो भैया हो क्या स्वागत गान का कार्यक्रम करेंगे। Thank you.
जय गण मन अधिना
नेतागण मंचासीन है। आज जो परिस्थितियां चल रही है, किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया, कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसा के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत भरोसे से आपने बनाया था, परिस्थितियां आपके सामने हैं। अब मैं जिनको आमंत्रित करता हूं, कहलगांव की धरती के लाल ही नहीं, बिहार कांग्रेस के मजबूत स्तंभ और पुरोधा हैं, हम सबों के अभिभावक हैं, उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूं कि चांद और सितारे हो तुम, चांद और सितारे हो तुम, जान से भी प्यारे हो तुम, चांद और सितारे हो तुम, जान से भी प्यारे हो तुम, खुशियों का बहाना हो तुम, कांग्रेस का सहारा हो तुम, खुशियों का बहाना हो तुम, कांग्रेस का सहारा हो तुम, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर कांग्रेस के लिए खुदा का नजराना हो तुम, खुदा का नजराना हो तुम। मैं आमंत्रित करता हूँ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, हम सबों के अभिभावक परम आदरणीय सदानंद सिंह जी से वो आए और आगत अतिथियों का स्वागत करें। परम आदरणीय सदानंद बाबू जिंदाबाद, 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 कानू बाबू जिंदाबाद, शक्ति सिंह वाहिन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदा कानू बाबू जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, निखिल बाबू जिंदाबाद, अखिलेश बाबू जिंदाबाद, शकील बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। शक्ति सिंह गोहिल जी, आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद जी, निखिल बाबू, आदरणीय निखिल बाबू, आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, सम्मानित भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी, राजेश रिलोटिया जी, हमारे चंदन यादव जी, कौकब कादरी जी, प्रिय भाई अजीत शर्मा जी, राजेश राम जी, राजेश राम एक एमएलसी भी हैं, प्रिय भाई राजेश राम एमएलसी जी, आदरणीय अमिता भूषण जी, भावना झा जी आदरणीय, सम्मानित हमारे भाई प्रेमचंद मिश्रा जी, विजय शंकर दुबे जी, आनंद शंकर एमएलए जी, पूर्णवासी राम जी पूर्व सांसद, हमारे छोटे भाई डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, कृपानाथ पाठक जी, नरेंद्र बाबू पूर्व विधायक आदरणीय, नरेश यादव जी, मोहन तिवारी जी एमएलए, और सभी सम्मानित हमारे कांग्रेस परिवार के भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, खुशी की बात है आज कि भालपुर जिला कांग्रेस कमेटी और बांका जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष ने मिलकर संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम किया है और काफी मेहनत इन लोगों ने की है। सर्वप्रथम मैं इस धरती को धन्यवाद देता हूं जिस धरती पर इतने महानुभाव कांग्रेस के आए। यह धरती कोहल ऋषि की धरती है जहां विक्रमशिला का इतिहास छिपा है। ये धरती उत्तर वाहिनी गंगा है। यह धरती कर्ण राजा की धरती रही है।
इसीलिए आंध्र प्रदेश इसका नाम रहा है। यह धरती स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, जिसने आजादी में काफी कुर्बानियां दी। मैं भूल नहीं सकता स्वर्गीय सियाराम सिंह को, जो बड़े क्रांतिकारी नेता थे और आजादी के कुर्बानियों में किसी से कम नहीं थे। परशुराम सिंह बांका के थे, परशुरामी दल उनके नाम से था और ब्रिटिश उनके खौफ से भागते रहते। यहां भी स्थानीय स्तर पर काफी स्वतंत्रता सेनानी लोग, तारणी मंडल जी और अन्य अन्य लोग काफी उन दिनों जीवित थे जब मैं पहली बार विधायक बन रहा था, तो उन सारे लोगों को नमन करते हुए आप सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, 2014 में इस देश में भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो उनके द्वारा वादे किए गए थे और जिस तरह लोग भ्रमित थे, हर हर मोदी घर घर मोदी, चाहे वह किसान हो चाहे वह नौजवान हो, सब व्याकुल था, लेकिन किन्हीं को कुछ नहीं मिला। मिला सिर्फ सांत्वना, और जब उनसे पूछा गया तो कहा कि ये चुनाव का जुमला है। नोटबंदी हुई, कहा गया कि इस नोटबंदी से सबों के खातों में 15-15 लाख रुपए की राशि जाएगी। लोगों ने जनधन योजना के तहत अकाउंट्स भी खोले, किसी को एक पैसा नहीं मिला, बल्कि जनधन योजना में जो राशि जमा थी वो सूद में कम होते गई। इतना बड़ा धोखा हुआ। जीएसटी बिल ला के उन्होंने एक रूपता की बात की थी टैक्सेशन की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्र का ज्ञाता और विश्व जिन्हें अर्थशास्त्री मानता है, उन्होंने कहा था कि 18% से अधिक जीएसटी नहीं लगना चाहिए, उसे इन्होंने 28% लगा दिया। फलस्वरूप आम जनता को बड़ी कठिनाई हुई और आम जनता आज परेशान है, महंगाई बढ़ गई, किसानों को इतना बड़ा कहिए कि धोखा मिला। उनको कहा गया था कि आपके उत्पादन मूल्य के आधी राशि कम से कम आपके मुनाफे के रूप में दी जाएगी, किसी किसान को नहीं मिला। और जो कांग्रेस के कार्यकाल में 75,000 करोड़ की राशि किसानों की माफ की गई थी, वह भी किसी को नहीं, उसका एक छोटा सा अंश भी नहीं मिला। बेरोजगार युवक बहुत व्याकुल थे, कहते थे कि 2 करोड़ युवकों को प्रतिवर्ष नौकरी दी जाएगी, सरकारी सेवा में लिया जाएगा। अब तो कहने लगे कि पकौड़ी बेचो और दुकान खोलो। 2 करोड़ भी एक वर्ष में देने की जो बात थी, वो 4 वर्ष में भी 2 करोड़ नहीं पूरा हुआ। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वायत्तता समाप्त हुई, रुपये का अवमूल्यन हुआ,
रुपये की कीमत घट गई विश्व स्तर पर, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई और आज आसमान छू रहा है पेट्रोल डीजल की। फलस्वरूप महंगाई बढ़ गई। भ्रष्टाचार का मामला आप जान ही रहे हैं, सिर्फ एक राफेल सौदे में 30,000 करोड़ की गड़बड़ी हुई है, जहां 600 करोड़ के लगभग में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बात तय हुई थी, आज 1600 करोड़ रुपए में दी गई। तो भ्रष्टाचार की भी चरम सीमा पार कर चुके हैं। आपको पता होगा नोटबंदी जिस दिन चालू घोषित किया गया उसी दिन कहां से इतनी राशि आ गई कि हर जिले में भाजपा के लिए जमीन खरीदी गई और कार्यालय खुल गया। तो देश काफी पीछे जा रहा है, राज्य स्तर पर भी जो मेरा गठबंधन था उस गठबंधन से नीतीश कुमार जी निकल गए और भाजपा के साथ हो। भाजपा जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में विभेद करती है, जो सिर्फ लड़ाने की बात करती है, उस भाजपा के साथ समाजवादी चले गए नीतीश कुमार। बिहार में भी शिक्षा चौपट है, सड़कें नहीं बन रही हैं, अराजकता की स्थिति है कि हमारे सभी मेहमान दो दो घंटे तक रुके रह गए, कोई देखने वाला नहीं, खून खराबे की स्थिति बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं ये प्रशासन और शासन दिखता नहीं। ऐसी स्थिति में ये कर्तव्य बनता है कांग्रेसजनों का, जिस कांग्रेस ने आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उसी कांग्रेस के आप परिवार के हैं। आवश्यकता इस बात की बन गई है कि हम कांग्रेसजन जगें। जनता भी त्रस्त हो चुकी है पूरे देश और राज्य की। इस स्थिति में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए आपको और हमको सबको जगना होगा और इसी आह्वान के साथ हमारे देश के नेता राहुल जी, जो फिर भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पिछले 4-5 महीनों में जिस तरह जनता की जन समस्याओं को लेकर आगे आने का काम किया है, वैसी स्थिति में आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपका नेता जो है वह बहुत मजबूत है और इस देश को विकल्प दे सकता है। आइए उस तैयारी में कांग्रेस के सभी लोग लग जाएं। राहुल जी को प्रधानमंत्री हम लोग अपने मेहनत से बनाएं, इसी संकल्प के साथ आज आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग सभी कांग्रेस के परिवार के लोग इसी तरह अन्य प्रमंडलों में भी जाकर इस तरह का कार्यक्रम करें, कांग्रेस को जागृत करें, मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद।